आपके लिए बेटर है। और थोड़ा सा और आ सकते सेंटर से, यही आगे आने का है स्कोप थोड़ा सा। ये परफेक्ट अभी मेरे लिए, आप आपके साथ में थोड़ा सा ढाई लाइन का है और उस हिसाब से मैनेज करके चलेंगे। शिवांकर जी भी हो ना? हाँ, मैंने तभी तुमको दिया, तुम बोलना। हाँ, मैं उसी में बोलूंगा, उनको बता देते रोल। एक्शन। मैंने नहीं मारा उसे, कोई नहीं। हाँ था, मैं एक इतना टाइटल लूंगा इस वक्त कैसे जा रही है। अभी मैं अभी आपको दे रहा, आप ले लीजिए, ले लीजिए। लाइन होने के बाद वो ले लेंगे, यहीं पे एजिटेशन और बड़ा। ओके, रोल एक्शन। मैंने नहीं मारा उसे, खूनी नहीं हूं मैं। मैंने नहीं मारा उसे, खूनी नहीं हूं मैं। नुमांदो को उठाते उठाते बहुत साल हो गए इस कहानी से छिपते छिपते। थोड़ा डालो लो बाल, लेकिन अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है इस शहर के कोहरे में छिपे हर राज पर सिकंदर। मैं तो पिछले 3.5 साल से इस शो में अकेले ही चिल्ला रहा हूँ।
और मुझे ऐसा लगा था कि शायद किसी पॉइंट पर आकर ऑडियंस थक जाएगी मेरे चीखने चिल्लाने से, पर ऐसा हुआ नहीं। जितना मैं ट्रीट हूँ उतनी हमारी ऑडियंस ट्रीट है। हमने हमेशा रघुवेंद्र की कहानी में इसे एक पहलू को अनकहा छोड़ा है कि वो कहाँ से आया है और वो पहले कैसा था और उसकी पिछली ज़िंदगी के राज क्या हैं और वो कभी बात क्यों नहीं करता उनके बारे में। आज के दौर में वो हमें बहुत अच्छे कपड़ों में, बहुत रईस, बहुत जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छे सलीके से बात करने वाला, ऐसा लगता है जैसे ख़ानदानी रईस होगा, पर उसका पास्ट ऐसा नहीं है। उसने कुछ बहुत बुरे दौर देखे हैं और कुछ बहुत बुरी घटनाओं के बाद उसने खुद को बदल कर ऐसा बनाया है। तो वो बुरे दौर क्या हैं और वो बुरी घटनाएं क्या हैं और उनमें ऐसा क्या हुआ कि उसको खुद को बदलना पड़ा और अपने इस सारे पास्ट को छुपाना पड़ा, यही मिस्ट्री है जो हम धीरे धीरे अब ऑडियंस के सामने खोल रहे हैं। मुग्धा के लिए कोई लेटर आया, वो लेटर है क्या? मुग्धा के लिए जो लेटर आया वो क्या है? उसका नाम मुग्धा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। मुग्धा नहीं है, मुग्धा के लिए जो लेटर है वो उनका भी पास्ट उनके सामने आ रहा है। उत्तरायण में हमेशा हम इस तरीके से खेलते हैं कि एक थीम का फ्लेवर लेकर आते हैं और फिर उन सब किरदारों की जिंदगी में उस थीम के चलते क्या क्या हो रहा है। तो हम सब की जिंदगी में हमारा पास्ट, हमारा पिछला बीता हुआ कल एक भारी परछाई बनकर लौट कर आ रहा है। 2014 में आप स्पेशल कुछ कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है दर्शकों? 2014 में क्या कुछ स्पेशल आने वाला है आपके? क्या कुछ स्पेशल? इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कुछ वादे मैंने पिछले साल किए थे, वो वादे इस साल के लिए थे, वो जरूर पूरे हो जाएंगे। और मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी गर्लफ्रेंड को दिए हुए वादे की बात कर रहा हूँ, मैं काम को लेकर के दिए गए वादों की बात कर रहा हूँ। इस साल 2 फिल्में हैं, पर पिछले साल एक फिल्म की शुरुआत हुई थी जो एक पॉइंट के बाद थोड़ी सी अटक गई और उससे मैंने सीख लिया कि जब तक फिल्म एक्चुअली शूट होकर अच्छे से बनना जाए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब शुरू हो जाएगी, जब अच्छे से बन जाएगी, तब फिर आपके पास आऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।